भाई सच में आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप भी खुश हो जाओगे। तो अब आप बोलोगे कि भाई नई वैकेंसी तो आई नहीं अभी तक नेवी की, AA SSR और MR की वैकेंसी तो अभी तक नहीं आई, पर आप इतना खुश क्यों हो? तो भाई आपने वीडियो जब क्लिक की है तो आपने देखा ही होगा ये स्क्रीनशॉट, तभी आपने वीडियो क्लिक की है। और उसके ऊपर से ही ये जो मैंने ब्लर किया है द ऑफिशियल नोटिस रीड्स, इसको देख के ही आपने क्लिक किया होगा। तो भाई इसी के बारे में बताऊंगा कि भाई ऑफिशियल नोटिस कब आ गई है और हमें पता भी नहीं है, उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और फिर उसी से पता चलेगा कि भाई वैकेंसी की डेट क्या होने वाली है। तो भाई अगर आप फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हो ना तो वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में भाई बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिल्कुल लाइव आपके सामने सर्च करूंगा, लाइव दिखाऊंगा, जो भी होगा बिल्कुल आपके सामने 100% है। क्योंकि आप भी जब करोगे अपने फ़ोन पे सर्च, जो मैं सर्च करूंगा तो बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। और भाई इसमें आपको ये भी क्लियर कर दूंगा एज रिलैक्सेशन का, लेकिन मेन मोटिव हमारा ये रहेगा कि इंडियन नेवी की AA SSR और MR की भर्ती किस डेट को आने वाली है। तो भाई बहुत बड़ी अपडेट है भाई, इसलिए वीडियो को तो कंप्लीट पहले देखना ही देखना। भाई अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लस अपने सारे दोस्तों को तो शेयर करो ही करोगे। भाई मैं बोल रहा हूँ तुम करोगे ही करोगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी मस्त है, इतनी जेन्युइन प्लस ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन है कि तुम भाई लाइक तो खुद ही करके जाओगे, आई नो। तो भाई बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों जो स्क्रीनशॉट थी जो आपको दिखाई थी वो तो चलो आपको बताऊंगा ही दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले भाई आप कई बार पूछते रहते हो कि भाई बता दो एज लिमिट क्या होने वाली है AA की SSR की। कई बच्चे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर क्या होने वाली एज लिमिट, तो भाई वो पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप जानना ही चाहते होगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो भाई ये देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल किस में हो, SSR में कि AA में हो या फिर नहीं हो। तो भाई इसको पहले देख लो और भाई मस्ट देखो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एज लिमिट जो अपनी SSR की है ना उसके लिए कितनी है, उसके लिए है 1 फरवरी 2001 से लेके 31 जनवरी 2004। तो भाई अगर आप इस डेट के अंदर हो, बीच में हो, तो भाई आप एलिजिबल तो पक्का हो। ये बात क्लियर हो गई SSR के लिए पहली बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं AA के लिए। तो AA के लिए क्या है अपना, 1 फरवरी 2001 से लेके 31 जनवरी 2004, ये भी आपका सेम ही है अगर आप मैच करें तो। AA का और SSR का दोनों का एज लिमिट तो भाई सेम है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लस भाई आप अब तो एलिजिबिलिटी का तो आप कोई कमेंट करोगे नहीं कि सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपको हो कि आप बिल्कुल बाउंड्री पे हो तो आप पक्का कमेंट करना कि भाई मैं बाउंड्री पे हूँ, मुझे बता दो मैं एलिजिबल हो कि नहीं हूँ, तो भाई मैं आपका रिप्लाई तो पक्का ही दे दूंगा। वो तो चलो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो भाई सीधा चलते हैं गूगल पे और वहां पे मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा 100% ट्रू। सो देखो दोस्तों आपको सर्च करना क्या है, आपको सर्च देखो यही करना है जो मैंने सर्च किया है, इंडियन नेवी AA SSR MR रिक्रूटमेंट 2021 एज लिमिट। बिल्कुल आपको यही सर्च करना है दोस्तों, मैं आपके सामने भी सर्च करके दिखा देता हूँ। तो ये सर्च आप करोगे दोस्तों, ये मैंने ये लो सर्च किया, तो सर्च करने के बाद जो आएगा वो यहाँ पे आएगा कि आपकी एज लिमिट तो है 17 to 21 इंडियन नेवी सेलर रिक्रूटमेंट 2021। लेकिन इसके नीचे जाओगे थोड़ा तो देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी फॉर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट SSR कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट क्लास 12th और इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी स्ट्रीम फॉर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ये तो ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन द एज 17 to 21 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। और ये भाई 11 फरवरी को ही आया है। सो आपने ये सर्च किया, इससे क्या मालूम चला आपको, एज लिमिट बाकी क्लियर है। अब दोस्तों अब क्या सर्च करना है आपको, आपको सीधा सर्च करना है ये जो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। अब आपको सर्च करना है इंडियन नेवी Feb 2021 बैच नोटिफिकेशन, ये आपको सर्च करना है। तो अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको देखो क्या मिलता है, आपको सीधा दोस्तों ये मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट क्या खुल रहा है, ज्वाइन इंडियन नेवी AA SSR सेलर फेबररी बैच 2021 नोटिफिकेशन। और इसके नीचे भी आएगा दोस्तों, क्या आएगा आपको देखो, इन्फो अबाउट
इंडियन नेवी SSR जॉब रिक्रूटमेंट February 2021, यानी फेब की ही भाई भर्ती है ये, और फेब में नहीं आ पाई अब, वो कारण जो है वो नेवी जानती है, बट ये फेब की ही है। देखो बैच कौन सा है, February 2021, ये चीख चीख के बोल रहा है भाई सामने, मैंने तुम्हारे सामने सर्च किया और ये आ रहा है। तो भाई ये फेब की ही कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाई, तो भाई ये मार्च के फर्स्ट वीक तक तो पक्का आ जाएगी, नहीं तो फर्स्ट वीक नहीं तो सेकंड वीक तक तो पक्का आ जाएगी। तो भाई ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये तो आपके सामने मैंने सर्च किया है, देखो सामने सर्च किया और यहाँ भी नीचे आया है, आप भी सर्च करो ये और देखो भाई, लेकिन सर्च यही करना और कुछ मत सर्च कर लेना, ओके। सो ये सर्च करो और देखो कि आपका आता है कि नहीं आता है, नहीं आएगा भाई तो डिसलाइक तो पक्का कर देना, आएगा तो भाई लाइक बनता है और शेयर बनता है। अभी भी भाई खत्म नहीं हुई बात, अभी एक और स्क्रीनशॉट है वो देख के जाओ। एक ये है स्क्रीनशॉट जिसमें क्या लिखा है, द ऑफिशियल नोटिस रीड्स, यहां पे देखो द ऑफिशियल नोटिस रीड्स। तो भाई ये ऑफिशियल नोटिस कब आई किसी को नहीं पता, लेकिन क्या पता आ गई हो, हमें पता ना हो, जैसे कि एयरफोर्स की भी आ गई थी नोटिफिकेशन और हमें पता नहीं था, हम सोच रहे थे ये फॉल्स है क्योंकि वेबसाइट पे नहीं थी ना इसलिए फॉल्स है, तो वैसे ये भी कहीं आ चुकी है। देखो भाई चेक करो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी वेबसाइट पे, किसी ना किसी वेबसाइट पे। और बाकी दोस्तों मिल जाए तो पक्का मुझे बताना, और भाई कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कि सर मिल गई है। और भाई एक और बात कर लेते हैं सिंपल सी, जो वैकेंसी के अपडेट के बारे में, ये एक और स्क्रीनशॉट है वो आपको दिखा देता हूँ। भाई इस वाले नोटिस से हमें ये मालूम चलेगा कि हम कितना डिले चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो एप्लीकेशन बिगेन हो गया था 2019 में वो फॉर द 2020 बैच के लिए, दोस्तों 2020 बैच के लिए जो फॉर्म बिगेन हो गया था वो हो गया था 18/11/2019, यहाँ आप देख सकते हो 18/11/2019 पे। और भाई वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अब एग्जाम कब था आपका, फेब में था, और अब तो फेब भी पार हो गया, नोटिफिकेशन तक नहीं आया, तो भाई हम कितना डिले चल रहे हैं ये आप देख सकते हो। बाकी इसमें भी, इसमें आपका एज लिमिट दिया था वो चलो सही दिया था, 2003 था लास्ट ईयर, इस साल 2004 हो जाएगा। तो भाई यही बताना था तुम्हें कि हम कितना डिले चल रहे हैं, तो भाई वैकेंसी बाकी आएगी उसके लिए तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो भाई प्लीज़ आई थिंक आपको पक्का इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों को तो शेयर करना भूलना मत, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। और दोस्तों चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।